नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरी गाड़ी है, ये एक्सपर्ट आए हुए हैं। मेरी गाड़ी कभी कभी स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ करता हूँ, सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होती इसकी। तो क्या है कि ये एक्सपर्ट आए हैं, ये कह रहे हैं कि कार्बन जो है बैटरी से निकल कर इसकी चारों तरफ ये जम गया है, जो करंट है जो बैटरी का, ये इन तारों के अंदर जाने ही नहीं दे रहा, इसको रोक के रख रहा है। ये कार्बन सारा जमा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये कह रहे हैं कि इसको साफ़ करना है। तो आइए देखते हैं, ये एक्सपर्ट आए हैं, कैसे इसको ये साफ़ करेंगे और ये सेल्फ अच्छी तरह चलेगी। बताइए ये कैसे करोगे साफ़। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार, जो मैं गाड़ी की बैटरी की एक्सपर्ट हूँ, और ये देखो जो आपके बैटरी के देख रहे हो कि इसमें कार्बन जमा हुआ है। हमें क्या करना है, इस बैटरी को हमें एक एक करके खोल देना है। जब ये खुल जाए और इसको गर्म पानी से चंगी तरह साफ कर देना, और फिर इसमें चंगी तरह कपड़ा मार कर और इसको जो हमने खोले हैं इसमें रेगमार से साफ कर देना है। पानी से भी साफ करना है और रेगमार से भी साफ करना है। कौन से पानी से साफ करना है? गर्म पानी से। गर्म पानी से इसको, गर्म पानी से साफ करना। ठीक है, तो कहिए इसको खोलिए। भैया बैटरी के क्या चाबी चाहिए हमें? चाबी चलो कोई बात नहीं, चाबी लेके आते हैं, मेरे पास है चाबी। ठीक है, ठीक है। हाँ एक मिनट, देखो हमारे एक्सपर्ट इसको खोल रहे हैं, चाबी ले आए हैं। ये देखो कितना इसमें क्या जमा हुआ, ये एक कार्बन जमा हुआ है। देखो ये कार्बन जमा हुआ है जिसकी वजह से सेल्फ नहीं उठा रही हमारी गाड़ी। कार्बन जमने से ये नोब ही नहीं खुल रही है। नोब बाहर करने भी नहीं, नहीं नोब के बाहर निकल जाएगी। दोस्तों अगर यही किसी के पास जाओ एक्सपर्ट के पास से, तो काफी आपका खर्चा लग जाएगा। ये खोल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इस नॉब को गर्म पानी से साफ करना है, दोनों नॉब को। कार्बन जमी हुई है, ठीक है। हाँ ये देखो ये दोस्तों, आप देख ही रहे हो कितनी कार्बन जमी हुई है, मिट्टी की तरह कार्बन जम जाती है। तो इसकी वजह से सेल्फ नहीं उठाती, जो ये चीज है इसको भी खराब कर देती है नॉब को। और हम फिर देखते रहते हैं भी क्या करें, और बाजार से लेने जाते हैं तो 20-30 रुपए को कम नहीं मिलता। ये फिर भी हमारी गाड़ी के चक्कर पड़ जाते हैं भी, हम क्या करें। अब गर्म पानी लेके आते हैं, आइए। देखो दोस्तों ये पानी गर्म हो रहा है, कितना गर्म करना है? उबलता पानी हमें चाहिए। हाँ उबलता पानी हमें गर्म करना है इसको। अच्छा उबालना है। उबालना है, ठीक। उबाल लीजिए, गैस तेज ना करें। हाँ इधर ही कर लो भाई, जल्दी हो जाएगा। इधर ही पाओ पानी, और डालो थोड़ा और पानी। बस बस बहुत है, बहुत तेज कर लो पानी। हाँ ऊपर कर लो, ऊपर बस, ठीक है। दोस्तों ये पानी हम उबाल रहे हैं जिससे हम उसके नोब को साफ करेंगे। हाँ। कार्बन ठीक हो जाएगा इससे? इसमें कोई नमक डालूं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना, बस गर्म पानी से साफ करके ठीक है डालना है। जब इसका गर्म पानी से साफ हो जाए तो उसको फिट कर उसमें ग्रीस लगा देनी चाहिए। फिर सेल्फ चकने लग जाएगी, सेल्फ चकने लग जाएगी, और उसमें नोब पर कोई ग्रीस लगानी है जो बाजार से डब्बा मिलता है आलू की ग्रीस। मतलब हम क्लीन कर रहे हैं जो कार्बन जमा हुआ है वो। अब बंद कर दें? हाँ। देखो ये बंद कर दें हैं। ओके अब ले आओ, ध्यान से चलिए। अब एक ब्रश भी चाहिए साफ करने वास्ते। अब हम ब्रश है, तो ब्रश क्लोथ है, क्लोथ दो। हाँ वो ले लो, रुको एक मिनट, क्लोथ ये पकड़ो मैं लेके आता हूँ। रुको बस, ब्रश लेके आ रहे हैं बस, कोई चल लगा बस। ये क्लॉथ है, ले ले।
Yes. ये देखो उबलते पानी को जो नोब है उसके बीच में डाल देने हैं। गर्म पानी से साफ करना है। इसको भी साफ करेंगे? इसको भी साफ करेंगे। देखो ये साफ कर रही हैं। देखो जिसका काम होता है एक्सपर्ट उसी को पता होता है, आप भी ऐसे कर सकते हो। ये देखो ये हो गया साफ, हो गया साफ हो गए दोनों नोब। अब इसको जो गर्म पानी थोड़ा सा रह गया हम इसमें नोब को साफ कर देना है। अच्छा, बैटरी के नोब को साफ करना। साफ कर दिया कि दोबारा ये कार्बन ना जमे। क्लॉथ की आवश्यकता है? ये ऊपर मार देंगे पहले आप। ये हमने साफ कर दिया और साफ करने से इसमें कपड़े से साफ करना है। साफ कर दिया और जो बैटरी की जो नोब होती हैं उसको प्लास से या रेग मार से हमने ऐसे थोड़ा सा घसा देना है। प्लास हो तमे रेग मार हो, ठीक है, जो बाजार से मिलता है, चुनने की दुकान से मिलता है जो। ठीक है ठीक है दोस्तों, आपने ये ले लेके आना है। ये देखो ठीक हो गया। अब साफ, अब हमने जो एक गर्म पानी से नोब साफ की है, जो हमारे ये नोब के नट नहीं खुल रहे थे वो गर्म पानी से हमने नट खुल गए हैं। अब इसको हम फिट कर रहे हैं। ठीक है देखो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। अब चाबी बिल्कुल सही लग रही है और नोब भी सही कसे जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल टाइट हो गया देखो। ओके तो दोस्तों दूसरा भी कस दो आप। ये क्या है? ये बैटरी की मेन तार होती है जो इसमें डाली हुई थी। ठीक है, वो टूट गई है? वो टूट गई क्योंकि कार्बन जमने से ये तार का नुकसान हो गया। ठीक है, आप इसको फिर जोड़ रहे हो? हम इसको जोड़ रहे हैं इधर डाली है। खुल गई है? मेरे पास कैंची भी है, इसको दूं मैं? कैंची है इसको खोलने वाली? दोस्तों बस ये आपने कर लेना है। ठीक है, आप तो इसको लगा ही दोगे आप? ठीक है, हाँ जी। नहीं अभी और जानकारी नहीं बताते हैं। रोशनी जाती है। अब क्या कहाँ लगा रही हो ये? खुल नहीं रही, टाइट जाम है ना, मोटी तार है बिल्कुल।
बता दोस्तों, देखो हम ये बैटरी की टायर जो मेन टायर होती है जो हम इसको फिट कर रहे थे और इसमें लग तार होती है जो बैटरी के सारी सर्विस लाइटों की और सेल्फ स्टार्ट की होती है। चलो इसको आप लगाइए, टूटी हुई थी चार्जिंग की, हम इसको फिट कर रहे हैं कि जो गाड़ी की लाइटें लुटे बंद ना हो जाए। अब इसको फिट कर दिया हमने, अब इसको गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखते हैं, हाँ आप इधर हो जाओ, ठीक है, कोई नहीं बस कर। हो गई स्टार्ट, देखो दोस्तों बैटरी अपनी जो सेल्फ स्टार्ट होगी, एक ही सेल्फ से स्टार्ट होगी है, ठीक है। देखो दोस्तों इन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें, और हमें एक और जानकारी आपको बताना चाहते हैं। हाँ, जो हमने ये नॉब साफ की है और तार को फिट की है, फिर भी हम अच्छी तरह, ठीक है, इसके नॉब को इसके में ग्रीस लगा देनी चाहिए, ठीक है, ग्रीस लगा, कार्बन ना जमे, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे। थैंक यू।